तो अगर आप किसी महिला, किसी पुरुष, लड़की, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो आप जिसको आप देखो वो आपका दीवाना हो जाए, आपके वश में हो जाए, आपका साथी, आपका प्यार, आपका प्रेमी, आपका पति, पत्नी, प्रेमिका, कोई भी जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ तेजपाल के इस पत्ते से आप कैसे किसी को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, वशीकरण करने का एक ऐसा अनमोल उपाय जिसको आपने एक बार कर लिया तो वो इंसान आपके वश में हो जाएगा और आपकी बात मानेगा, जैसे आप उससे कहोगे वो सिर्फ वैसा ही करेगा। तो दोस्तों, आप कैसे किसी को अपने वश में कर सकते हैं, तेजपाल के पत्ते से कैसे आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं, ये उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक तेजपाल का पत्ता लेना है, और तेजपाल के पत्ता लेने के बाद आपको उसका नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। मान लीजिए उसका नाम है देव, प्लस माँ का नाम। इस तरीके से लिखने के बाद आपको नौ सौ छिहत्तर, 431, 231, 721 और 121, ये आपको लिखना है। उसके बाद लड़की का नाम, लड़की का नाम है प्रिया, प्रिया। प्रिया प्लस मगन, बस ऐसा कर लो और इसको चलते हुए पानी में बहा दो। लड़की आपके वश में हो जाएगी, आपकी बात मानेगी, जैसा कहोगे वैसा करेगी। तो इस उपाय करिए। इसी के साथ नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।